हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 1 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे आपके सामने है कि ह्यूमन बॉडी का एक अभी नया पार्ट है वो डिस्कवर किया गया था, मतलब कि ह्यूमन बॉडी का नया ऑर्गन है सॉरी वो डिस्कवर किया गया था आयरलैंड के एक साइंटिस्ट के द्वारा। तो उसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या था। देखो ये भी कुछ टाइम पहले न्यूज में भी था, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है मेसेंट्री, दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे मेस्कोलोन, तीसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे सेफेलिक और चौथा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे ओटिस। देखो जो भी नया ह्यूमन ऑर्गन डिस्कवर किया गया है वो है यहाँ पे हम बात करें उसका नाम है मेसेंट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेसेंट्री वो नया ह्यूमन ऑर्गन डिस्कवर किया गया है आयरलैंड के साइंटिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जीवन रेखा ई हेल्थ प्रोजेक्ट को लेके। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यह देश में अपनी तरह का एक पहला प्रोजेक्ट है, अपनी तरह की एक पहला इनिशिएटिव है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इसके दो घटक हैं, पहला है रिपब्लिक हेल्थ कंपोनेंट और दूसरा है हॉस्पिटल ऑटोमेशन मॉड्यूल। तीसरा स्टेटमेंट यह कह रहा है कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य है एकीकृत हेल्थ केयर क्लाउड बनाना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी नागरिकों का जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड है हेल्थ रिकॉर्ड है वो होगा। अब आपको बताना है, चौथा स्टेटमेंट भी दिया गया है कि यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड या वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड है। देखो हम बात करें जीवन रेखा ई हेल्थ प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये चला गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा और यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट है वो सही है। यह एक अपने आप में इस तरह का हमारे देश में एक पहला इनिशिएटिव है। इसके दो कंपोनेंट है, पहला है पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट और दूसरा है हॉस्पिटल ऑटोमेशन मॉड्यूल। और इसका मेन फोकस ये रखा गया है कि भाई हेल्थ केयर क्लाउड तैयार किया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जो भी नागरिक है उन सबका हेल्थ डाटा वहाँ पे रखा जा सके, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती हो तो उस पर्सन का डाटा आराम से चेक किया जा सके कि भाई इसको पहले ये डिजीज हुई है। तो वहाँ पे एक रिसर्च वगैरह में भी काफ़ी हेल्पफुल है वो रहेगा और ट्रीटमेंट में भी काफ़ी सहूलियत है होती है। देखो कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर को बताते नहीं है कि उनको पहले क्या डिजीज़ वगैरह थी, तो उस कंडीशन में डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं कर पाते। अगर डॉक्टर के पास पहले की सारी रिपोर्ट्स रहेंगे तो डॉक्टर ट्रीटमेंट और भी बेहतर कर सकते हैं कि भाई इस पर्सन को इस चीज़ों से तो एलर्जी है, ये चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि उसके पास तो पूरी रिपोर्ट्स रहेंगी। इसीलिए ये प्रोजेक्ट है अपने आप में काफ़ी अहम भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हॉस्पिटल को डिजिटल है वो किया जाएगा और केरला गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पे एंशिएंट इंडिया को लेके। क्वेश्चन ये है कि एंशिएंट इंडिया में जो मर्चेंट्स थे उनका एक कॉरपोरेशन था, उसका नाम क्या, कौन सा था वो। पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है चतुर्वेदी मंगलम, दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे परिषद, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया अष्ट दिग्गज और चौथा दिया गया मणिग्राम। तो देखो हम बात करें जो व्यापारी हुआ थे उस एंशिएंट इंडिया में, उनका जो संगठन है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था मणिग्राम। तो यह फैक्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है वो बन जाता है। जो वेस्टर्न चालुक्य पीरियड थे जो कि थे लगभग 10th सेंचुरी लेके 12th सेंचुरी CE के बीच में, मतलब 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो चालुक्य टाइम पीरियड था पश्चिमी हिस्सों में, उनके द्वारा मणिग्राम है उनकी स्थापना की गई थी। तो यह एक फैक्ट अपने आप में ध्यान रखने लायक हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है कि हिंद महासागर में महासागरीय जो धाराएं हैं, जो ओशियन करंट्स हैं, इनके नियमित दिशा में चेंजेस होता रहता है, तो उसके लिए कौन सा कारक है वो जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन ओशियन इज हाफ एन ओशियन, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि इंडियन ओशियन है वो मानसून ड्रिफ्ट के प्रभाव में रहता है, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि इंडियन ओशियन है वो लैंडलॉक्ड ओशियन है, और चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि इंडियन ओशियन है वो ग्रेटर वेरिएशन इन सैलिनिटी, मतलब जो हम बात करें यहाँ पे मतलब नमक की मात्रा है, लवणता है, वो काफ़ी प्रभावित है, काफ़ी वेरी करती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो देखो हम जानते हैं कि जैसे ये हो गया हमारा इंडिया और यहाँ पे होगा पूरा इंडियन ओशियन, तो आपको पता है कि इंडियन ओशियन पे किसका इफेक्ट पड़ता है। देखो हाफ एन ओशियन का तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत है, तीसरा भी साफ साफ गलत है, और यहाँ पे बात करें चौथा भी साफ साफ गलत हो जाता है अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे इनको। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही कि आपको पता है कि इंडिया में जो मानसून है उसी का इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए मानसून की वजह से जो ओशियन से इनका करंट है वो प्रभावित होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो ही गर्मी का टाइम होगा तो उसमें उस टाइम पे साउथ वेस्ट मानसून आएगा, तो उसके टाइम पे आपको पता है कि जो ओशियन का करंट है उसकी डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है, और जो ही सर्दियों का टाइम होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे मानसून है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव रहता है, तो उस टाइम पे मानसून की डायरेक्शन है वो यहाँ पे कुछ जो ओशियन करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस दिशा में हो जाती है। तो ये किसका प्रभाव रहा, ये रहा ना मानसून ड्रिफ्ट का, जो कि साल में 2 बार है वो मेनली चेंज होता है सर्दी और गर्मी में, इसलिए इसका राइट आंसर वो यहाँ पे बी है, वो अपने आप में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे
नए आर्टिकल की तरफ। देखो एक छोटा सी न्यूज़ मिली थी मेरे को पीआईबी में, वैसे तो काफ़ी एक दिन से कैंपेन चल रहा है तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। वो है यहाँ पे झोला चैलेंज। ये झोला चैलेंज क्या है? झोला का मतलब है यहाँ पे बैग, क्योंकि बैग को हम हमारी नॉर्मल जो लोकल लैंग्वेज में झोला नाम से जानते हैं। तो ये कैंपेन स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। आपको पता है कि अभी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण चल रहा है 2019 का, और उसी के तहत ये झोला चैलेंज कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया है। इसका मेन मोटो है कि जो भी पर्सन है जो कि मतलब जो प्लास्टिक या पॉली बैग है इनका यूज कम करें, और जो झोला या जो बैग है मतलब कपड़े के बने हुए बैग हैं उनका यूज है वो कर सकें। तो एक तो मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है, और वैसे देखो जो ये आर्टिकल जो मैंने आपको बताया झोला चैलेंज कैंपेन वगैरह, ये हम आंसर राइटिंग ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं उनकी हेल्प से लोगों को मोटिवेशन प्रमोट है वो किया जा रहा है, तो ये काफी हेल्पफुल उसके लिए हो सकता है। बाकी प्रीलिम्स के लिए तो इसमें मिनिस्ट्री और क्या है बस छोटा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसका टारगेट ये रखा गया है कि लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक बैग है उनकी वो यूज ना किया जाए कल तक के लिए प्रोग्राम है वो रखा गया था। इसमें जिस भी सिटी ने अच्छा स्टेप उठाया होगा, जिस भी सिटी में सबसे ज़्यादा मतलब प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं किया जाएंगे, आप हम बात करें वहाँ पे कपड़े के बैग यूज़ किया जाएंगे उसको एक्चुअली इसमें अवार्ड है वो भी दिया जाएगा। तो ये छोटा सा कैंपेन था जिसको मैंने यहाँ पे ऐड है वो किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को लेके। तो देखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो है क्या। देखो अभी 2018 का इंडेक्स है वो पब्लिश किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो हम बात करें इसके इंडेक्स के बारे में, तो यह इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स 2018 या करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया की हालत क्या है। देखो इंडिया की जो रैंकिंग है वो रही है इस बार 78, मतलब इंडिया वो 18वें नंबर पे इसमें रहा है। और बात करें हम इंडिया की लास्ट ईयर जो रैंकिंग थी इंडिया की वो थी 81, तो इंडिया की इस बार रैंकिंग है वो पिछले बार से सुधरी है, बट अभी भी इंडिया की रैंकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। 180 देशों में इंडिया में करप्शन की बात करें धांधलीबाजी की तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इंडिया 78 के नंबर पर आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पड़ोसी देशों, और पड़ोसी देशों की बात करें देखो यूपीएससी पड़ोसी देशों में कौन से पूछेगी, जो जो जैसे मेन मेन कंट्रीज हो गए, जैसे चाइना के अगेंस्ट पूछ सकते हैं क्योंकि चाइना वो ब्रिक्स में शामिल है। तो चाइना है उसकी रैंक है यहाँ पे 87 नंबर पे, ये आपको ध्यान रखना है। चाइना का वैसे जो स्कोर है वो बना है 39, इसमें स्कोर दिया जाता है 0 से लेके 100 के बीच में, तो चाइना का स्कोर 39 रहा है। जिस भी कंट्री का स्कोर 100 के आसपास रहता है मतलब वो बहुत ही अच्छी है, वहाँ पे करप्शन ना के बराबर है या बहुत कम है। इसके बाद में श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का स्थान है वो है 89th है। पाकिस्तान की देख लेते हैं, पाकिस्तान का है वो है 117 मतलब 117वां स्थान है। और हम बात करें यहाँ पे भूटान का स्कोर, भूटान का जो स्कोर है वो यहाँ पे हमसे सही रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूटान है उसकी रैंक रही है 68 अंक उसको मिला है, और यह 25वें रैंक के ऊपर यह आया है, तो यह इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है। बस यही ध्यान रखना है इसमें कि भूटान की रैंकिंग है वो इंडिया से अच्छी है, वहाँ पे करप्शन के मामले कम है। अब हम थोड़ा ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे देखते हैं कि भाई टॉप कंट्रीज कौन सी नहीं है। देखो ये सब रटने तो आपको बिल्कुल भी बैठने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। टॉप कंट्रीज की बात करें तो डेनमार्क है वो सबसे नंबर 1 पे रहा है, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड है, थर्ड नंबर पे फिनलैंड है वो रहा है। जो इनका स्कोर है डेनमार्क का स्कोर है वो है 88 रहा है 100 में से, और जो न्यूजीलैंड है उसका स्कोर है 87। और सबसे वर्स्ट कंट्रीज की बात करें तो वो रहा है सोमालिया, सीरिया और साउथ सुडान का। सोमालिया का स्कोर रहा है 10 और यहाँ पे सीरिया का रहा है 13, तो ये सबसे मतलब करप्टेड कंट्रीज में शामिल की गई है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पब्लिश है वो किया जाता है। इसमें करप्शन के पैरामीटर्स के आधार पर इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंटरनेशनल स्टॉक टेकिंग कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन को लेकर। देखो अभी कंटेक्स्ट ये आया है कि 28 और 29 जनवरी को न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन हुआ बाघ के संरक्षण या टाइगर कंजर्वेशन के लिए, तो यह ध्यान रखना अपने आप में एक थर्ड मतलब कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले 2 कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं और उनमें दो कॉन्फ्रेंस में भी एक कॉन्फ्रेंस इंडिया में आयोजित थी। तो एक तो फैक्ट ये बन जाता है कि जो इंटरनेशनल स्टॉक टेकिंग कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें से इंडिया में 2 कॉन्फ्रेंस हुई हैं, टोटल 3 कॉन्फ्रेंस हुई हैं उसमें से 2 इंडिया में हुई हैं। ये इफेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पूछ सकती है कि क्या इंडिया में पहली बार ये कॉन्फ्रेंस आयोजित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेकंड टाइम इसको आयोजित है वो किया गया है। और वैसे इसका थर्ड एडिशन है वो अभी आयोजित किया गया था। अब टाइगर कंजर्वेशन के कुछ फैक्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। यह आयोजित किया गया था यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और इसी के साथ ही हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसी के साथ ही ग्लोबल टाइगर फॉर्म।
अब हम ग्लोबल टाइगर फॉर्म की बात करें, वो आपको बताया कि इंटरनेशनल एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट एक यहाँ पे और है, वो ये आया है कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। देखो, सेंट पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन थी वो आई थी 2010 में। ये आपको बताया सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है, ये है एक्चुअली रूस या रशिया में हम बात करें। इस डिक्लेरेशन में ये प्रावधान किया गया था 2010 के टाइम पे कि भाई 2022 तक जो टाइगर की पॉपुलेशन है ना, इसको डबल किया जा सके। और आपको बताया ये टारगेट बहुत जल्दी ही अचीव कर लिया गया था। ये टारगेट है वो 2014 में ही अचीव है, वो कर लिया गया था। 2010 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद 2014 में ही इस टारगेट को अचीव है वो कर लिया गया था। 2014 में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो रही थी 2226। अब देखो, जो सेंट पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन थी उस टाइम पे, मतलब 2010 में इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन थी वो थी 1411। इसके बाद में 2014 में जब वापस ये मतलब सर्वे वगैरह किया गया टाइगर का, टाइम टू टाइम जो टाइगर इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ गई थी। तो आपको यह ध्यान रखना, यूपीएससी पूछ सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किस रिलेटेड है, ब्रिक्स कंट्रीज वगैरह इस तरीके से, या फिर पूछ सकते हैं टाइगर कंजर्वेशन। तो हमें ध्यान में रखना है कि टाइगर कंजर्वेशन को लिए है, 2010 में हुई थी। अब देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप हैं वो उठाए गए हैं। देखो, इंडिया ने एक तो चलाया है प्रोजेक्ट टाइगर, और इसके साथ ही इंडिया ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाई है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो बनाया गया, वो आया था 1973 में। आपको पता है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था और इसके तहत नेशनल पार्क वगैरह भी स्थापित है वो किए गए थे। मिनिस्ट्री कौन सी है, वही मिनिस्ट्री आपको पता है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जो मिनिस्ट्री है वो इसके लिए काम है वो करती है। अब यहाँ पे एक और है, वो है ट्रैफिक इंडिया है, वो एक ऑनलाइन पोर्टल है। वो क्या करता है कि जो भी प्लांट एनिमल है, मतलब फौना एंड फ्लोरा है, उनकी सारी डिटेल है वो ऑनलाइन रखता है अप टू डेट, ताकि इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ से ली है वो जा सके। और एक तरीके से जो भी क्राइम वगैरह होते हैं, एक तरीके से मतलब जो टाइगर कंजर्वेशन हुआ या फिर और भी तरह के एनिमल्स की जो पोचिंग वगैरह होती है, उन सब का डाटाबेस वहाँ पे तैयार करके रखा जाता है और उनके कंजर्वेशन के लिए स्टेप है वो उठाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि ट्रैफिक इंडिया क्या है। अब हम बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, यह एक स्टेचुरी बॉडी है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसको बनाया गया था यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 2006 में। यह आपको ध्यान रखना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। अब हम बात करें ग्लोबल टाइगर फॉर्म। ग्लोबल टाइगर फॉर्म में आपको पता है कि इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल फॉर्म है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका क्या काम है। ग्लोबल टाइगर फॉर्म का काम ये है, इसका मेन मोटो ये था कि भाई जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें जो टाइगर और इसके जो 5 उप प्रजातियां हैं जिसमें पैंथर लेपर्ड वगैरह आ जाते हैं, उनको बचाने के लिए फोकस वो किया गया था। अब आपके दिमाग में होगा कि टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी होती हैं। टाइगर रेंज कंट्रीज वो कंट्रीज है जहाँ पे टाइगर है वो फ्रीली मूव है वो कर सकता है, मतलब वहाँ पे फ्री है टाइगर घूमते हैं, ऐसा नहीं कि उनको मतलब एक तरीके से पिंजरे वगैरह में कैद किया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं देखो, याद हो तो देख लेना, बाकी आपको मैपिंग में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात करें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, इसके साथ ही यहाँ पे मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया। तो ये नॉर्थ कोरिया थोड़ा कन्फ्यूज है, वो कर सकता है क्योंकि थोड़ा साइड में वो आ जाता है। और जो ग्लोबल टाइगर फॉर्म है इसको बनाया गया था 1993 में दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान रखना है, उस दौरान बनाया गया था, हेडक्वार्टर्स का काम पे न्यू दिल्ली में, वो 1997 में फ्री रूप से इंडिपेंडेंट रूप से काम है वो करने लग गया था। तो ये इसके बारे में न्यूज थी जिसे हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है यहाँ पे BARC बाघ के बारे में। क्या है बाघ का मतलब है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। कंटेक्स्ट ये आया है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस जो रिसर्च काउंसिल है, इसके अभी नए चेयरपर्सन है उनको इलेक्ट किया गया MD, जिनका नाम है यहाँ पे पुनित गोयन का। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कंटेक्स्ट, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो ये क्या है, ये एक कोलैबोरेटिव इंडस्ट्री कंपनी है, मतलब काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब ने मिलकर कोलैबोरेट करके इस कंपनी को एक तरह से कंपनी के तौर पे इसका निर्माण है वो किया, और ये 2010 में बनाई गई थी। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें एक तो जो हमारे देश में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो शामिल है, इसके साथ जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज है वो हैं, इसके साथ ही जो मीडिया एजेंसीज हैं वो भी इसमें शामिल है। उन सब मिलके एक ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण है वो क्या था। इसका काम क्या होता है, ब्रॉडकास्ट के एरिया में रिसर्च वगैरह हो, ऑडियंस वगैरह हो, उनके राइट्स वगैरह हो, उनको प्रोटेक्ट करने का काम है वो करता है। और यह ध्यान रखना है कि ये जो सेटअप किया गया था 2010 में कंपनी के तहत, ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत। यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत इसका निर्माण है वो किया गया था।
ये इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट आर्टिकल है वह है डिजिटल करेंसी को लेके, जो है अबेर। देखो यूएई यानी कि यूनाइटेड एमिरेट्स अरब है, जिसे हम दुबई के नाम से जानते हैं, वो और इसके सऊदी अरब, इन दोनों के जो सेंट्रल बैंक है ना, उन्होंने भी अपनी एक कॉमन डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है अबेर। तो यूपीएससी डायरेक्टली यही पूछ सकती है इसमें कि अबेर अभी रिसेंटली न्यूज में था क्या है। तो यह ध्यान रखना है कि यूएई और सऊदी अरबिया की एक जॉइंट है, वो आपस में डिजिटल करेंसी उन्होंने लॉन्च है वो की है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसके साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके आधार पर डेवलप हो की गई है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेना कि यूएई और सऊदी अरब के बैंकों ने दोनों ने मिलकर डिजिटल करेंसी का निर्माण है वो किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट के बारे में। देखो कंटेक्स्ट यह है कि द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। अब ये है क्या, देखो हमने हिस्ट्री में काफ़ी बार मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि अंग्रेज इंडिया में आए थे, रेल का निर्माण उन्होंने किया। तो आपको पता है कि रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है वो हर देश की इकोनॉमी में काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम कॉमन सी बात देख सकते हैं कि ट्रेन है या मालगाड़ी है, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो कम खर्चे में काफ़ी सारे लोगों को ट्रेवल है वो करवा सकती हैं, सामान को इजीली इधर से उधर मूव है वो कर सकती हैं। इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट के ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको मतलब कहीं ना कहीं कम करने के लिए रेल है वो काफी एक अहम साधन होता है। तो इसी के ऊपर रेल है, उसका ग्लोबल ट्रांसपोर्ट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसा है, इसके ऊपर एग्जामिन करने के लिए और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको मतलब अवेयर करवाने के लिए ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ये तो हुआ कंटेक्स्ट। तो यूपीएससी एक तो रिपोर्ट पूछ सकती है, इसके बाद में हम देखते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो बनाई गई थी 1974 में। देखो हुआ क्या था, 1973 में आए थे, गल्फ वार स्टार्ट हुआ था, ऑयल क्राइसिस आ गए थे, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज थी उनमें आपस में वॉर छिड़ गया था, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑयल की डिमांड है वो बढ़ने लगी थी और क्राइसिस से आ गए थे। तो उसके बाद ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का निर्माण है वो किया गया था। और जो ओईसीडी है, ओईसीडी तो आपको पता है इसके बारे में हमने काफी बार डिस्कस भी किया, तो ओईसीडी के जो मेंबर्स हैं उनके फ्रेमवर्क के आधार पर इसका निर्माण है वो किया गया था। अब देखो इसका मोटो क्या था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मोटो ये था कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और इसी के साथ ही ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंगेजमेंट है एनर्जी को लेके इसको सुनिश्चित किया जा सके, मतलब एनर्जी को लेके काफ़ी ढंग से काम हो वो किया जा सके एक तरीके से, मतलब मनमर्जी ना हो, उन सब के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का निर्माण है वो किया गया था। तो इसके 30 कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं, और इसका काम क्या है कि अफोर्डेबल, रिलायबल और क्लीन एनर्जी है वो प्रोवाइड है करवाने का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। अब इसके साथ ही इसका छोटा सा फैक्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो भी कंट्री ओईसीडी के मेंबर होती है वही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बन सकती है। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो भी कंट्री ओईसीडी का मेंबर है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बने। जैसे कुछ अपवाद दिए गए हैं कि जो ओईसीडी के मेंबर हैं बट वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के मेंबर नहीं है, जैसे कि चिली हुआ, आइसलैंड हुआ, इजराइल हुआ, लातविया हुआ, सोमल। तो ये रटने का तो कोई जरूरत है नहीं, बस इतना सा देख लेना कि जो भी कंट्रीज ओईसीडी के मेंबर हैं वही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर हैं वो बन सकती हैं। तो अब आप बताइए कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इंडिया है वो इसका मेंबर है या नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए वो है आज मेरे यहाँ पे, वो है एब्सोल्यूट वीटो को लेके। आप ये बताइए कि एब्सोल्यूट वीटो का जो प्रावधान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।